और इस बीच बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा का इस्तीफा। बड़ी खबर आज कहा जा रहा था, क्योंकि दो साल हो गए सरकार की, कहा जा रहा था कि क्या येडियुरप्पा का आज आखिरी दिन हो सकता है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, गृहमंत्री से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, उसी वक्त इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि येडियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उस दौरान येडियुरप्पा ने बहुत सारी शर्तें भी रखी थी और कर्नाटक पहुंचकर हालांकि सुर बदल गए थे, लेकिन आज ये माना जा रहा था कि क्योंकि सरकार के दो साल पूरे और ऐसे मौके पर हो सकता है कि आज बीएस येडियुरप्पा का आखिरी दिन हो। और फिलहाल खबर बड़ी, बीएस येडियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा का इस्तीफा, बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर कयास पहले से ही जताए जा रहे थे कि क्या वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही थी। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी, गृहमंत्री से, जेपी नड्डा से, उसके बाद उन्होंने यही कहा था अगर वो कहेंगे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। बिल्कुल, ये कहेंगे वो इस्तीफा दे तो वो देने के लिए तैयार है, वो पार्टी के सच्चे सिपाही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि आज उन्होंने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर इस्तीफा दे दिया। अब देखना यह है कि येडियुरप्पा और पार्टी लीडरशिप के बीच में क्या सहमति बनी है, किस नेता को जो है येडियुरप्पा की जो है कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा जो है साउथ का प्रदेश है जहां पर पहली बार बीजेपी का कमल खड़ा था और येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे 2008 के अंदर, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी जो है मिस हैपनिंग ना हो और स्मूथ वे के अंदर जो है ट्रांजिशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे येडियुरप्पा जो है पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बगावत ना करे, क्योंकि येडियुरप्पा जब पिछली बार हटाया गया था तो उन्होंने बगावत की थी, पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन इस बार वैसा सीन नहीं है। येडियुरप्पा को जो है कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उसके बाद ही जो है उनका इस्तीफा कराया गया, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने ये बात उनको बता दी थी कि देखिए आप 78 साल के हो चुके हैं, आपकी एक चीज है स्वास्थ्य है, इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और आप जिसको मुख्यमंत्री चाहते हैं उस और बताएं, पार्टी के नेतृत्व तो तय करेगा कि किसको क्या मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा कर्नाटक में येडियुरप्पा की जगह पार्टी जो है येडियुरप्पा को जो नाम सुझाए गए उनको भी तवज्जो देगी, और ये माना जा सकता है कि प्रहलाद जोशी हो या मुकेश निराणी हो, ये नाम बहुत तेजी से आगे हैं, आरएस बोमई हो, ये लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं, ब्राह्मण हैं और बहुत लंबे समय से जो है वो वहां पर मंत्री भी सांसद हैं कर्नाटक से, और पिछले दो साल से वो केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हैं, तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि तीन नामों के ऊपर में से एक नाम पर सहमति लग सकती है। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात देखिए यहाँ पर ये है, जिस तरीके के येडियुरप्पा लीडर माने जाते हैं या फिर जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था एक हटकर रवैया उनका रहा था, और दिल्ली जब वो आए तो वो कहने को तो उन्होंने ये कहा था कि कर्नाटक के विकास के कार्यों को लेकर ही बातचीत करनी है प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से, जेपी नड्डा से, लेकिन परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक है, बिल्कुल परिवार के साथ आए थे, उनके जो बेटे हैं विजेंद्र वो लगातार पार्टी हाईकमान के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे थे, जेपी नड्डा उन्होंने पहले भी मुलाकात की थी और येडियुरप्पा की मुलाकात के बाद भी उन्होंने मुलाकात की, और माना जा रहा है कि बहुत स्मूथ वे में पार्टी ने ये पूरा किया है, येडियुरप्पा का भी सम्मान और पार्टी के इन सारी को ध्यान में रखते हुए पार्टी लीडरशिप ने वहाँ नेतृत्व करने को जी। हिमांशु, क्योंकि जिस दौरान वो दिल्ली पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए बहुत सारी शर्तें भी सामने आई थी, मुझे याद है उस दिन आप ही हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटों के लिए भी कोई ना कोई ओहदा मांगा, इसको लेकर भी नेगोशिएशंस लगातार हो रही थी, तो किस बात को लेकर फिर अब आगे सहमति बनी है? देखिए उनके बेटे जो है वो फिलहाल में वहां पर जो है उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के प्रदेश के अंदर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन इतना जरूर है कि येडियुरप्पा अगर रिजाइन दिया है उन्होंने तो उनके परिवार को पूरी तरीके से पार्टी जो है ध्यान में रखेगी, लेकिन उनके बेटे एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, तो अब देखना यह है एडजस्टमेंट कैसे होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें येडियुरप्पा जो है बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनके सुझाए गए नामों को जो है पार्टी ज्यादा तवज्जो देगी, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं लिंगायत कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, दो कम्युनिटीज के जो वोट बैंक है वो कर्नाटक में है, एक मुकालिका और एक लिंगायत, तो लिंगायत कम्युनिटी को जो है वो येडियुरप्पा जो है वो लीड करते हैं बीजेपी के अंदर, और आप देखिए कि जब
जेडीएस और कांग्रेस की सरकार से एमएलए छोड़ छोड़ कर आए थे ना, वो सारे जो है जितने एमएलए ने रिजाइन किया था उनमें से ज्यादातर जो है लिंगजाट कम्युनिटी के थे, क्योंकि उनके ऊपर उनकी कम्युनिटी का एक दबाव भी था और दूसरी तरफ येदुरप्पा एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे थे लिंगजाट कम्युनिटी के, और इसीलिए येदुरप्पा की जो है इसके अंदर ये कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका होगी कि कौन मुख्यमंत्री बने। लेकिन तीन नाम अभी जो है वो चल रहे हैं, मैंने आपको बताया प्रहलाद जोशी है, मुकेश निहरानी है, और साथ ही साथ जो है एक नाम जो है वो आर एस बोम्मई का है जो बहुत लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि दो साल का उनका टर्म पूरा कराया गया। जब वो पिछले हफ्ते आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि उनके दो साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाए, और आज उन्होंने अपना रिजाइन जो है वो दे दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व जो है यहाँ से जो ऑब्जर्वर बना ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು